अस्सलाम वालेकुम टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एपिलेप्सी जिसे हम उर्दू में मिर्गी कहते हैं नाउ एपिलेप्सी इज डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट टू अनप्रोवोक्ड अनप्रोवोक्डर्स विद और विदाउट कन्वर्जेंस एंड दे आर सेपरेटेड एटलीस्ट देर आवर्स सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीजर्स क्या होते हैं और कन्वर्जेंस क्या होती हैं सीजर्स का मतलब पेशेंट की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होता है ब्रेन में जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं अब इसमें बिहेवियरल चेंजेस भी आ सकते हैं और बॉडी की इन एक्शंस भी आ सकते हैं लाइक पेशेंट जो है वो अजीब गरीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है इसके अलावा बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स शुरू हो जाती हैं आर्म्स लेग्स या फिर किसी भी पार्ट में तो इसे हम कहते हैं सीजर्स कन्वर्जनस का मतलब जो है वो स्पेसिफिक हम कहते हैं कि इन मसल कॉन्ट्रेक्शन होती हैं तो पेशेंट को जब भी अनप्रोवोक्ड सिजर्स आती हैं तो ये या तो कन्वर्जन के साथ होंगी या फिर ये कन्वर्जन के बग़ैर भी हो सकती हैं नाउ कम टूवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी ब्रेन के अंदर दो तरह के न्यूरो होते हैं गाबा एंड ग्लूटामेट गाबा इज द इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर विच रिड्यूस द चांसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड ग्लूटामेट इज़ द एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर विच इंक्रीज द चांसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल हेल्दी नॉर्मल ब्रेन के अंदर इन दोनों का बैलेंस होता है लेकिन जो पेशेंट होता है उसमें ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं या हाइपर एक्साइटेशन शो करते हैं और एक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जनरेट होता है अब हम बात करते हैं सीजर्स क्लासिफिकेशन की तो द फर्स्ट स्टैप इज़ फोकल सीजर एंड द सेकेंड इज़ जनरलाइज्ड फोकल का मतलब होता है कि जब ब्रेन का कोई स्पेसिफ़िक या लोकलाइज पार्ट इस डिस्टर्बेंस से मुतासर हो फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्पोरल लोब तो पेशेंट की जो हेयरिंग स्मेल और बैलेंस की एबिलिटी है वो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आएगी अगर ये डिस्टर्बेंस पेराइटल या ऑक्सीपिटल लोब में है तो वहाँ के जो फंक्शंस उस पार्ट से कंट्रोल होते हैं वो फंक्शंस हमें कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आएंगे जबकि जनरलाइज सिजर्स के अंदर ब्रेन के दोनों हेमस्फेयरस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और सिम्टम्स जो हैं वो हमें जनरलाइज नजर आते हैं मीन्स के पेशेंट जो है वो कॉन्शियस नहीं रहेगा एब नॉर्मल मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगी बॉडी के अंदर नाउ फोकल हैव फर्दर टू टाइप्स सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिंपल में पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो बहाल रहेगी जबकि कॉम्प्लेक्स में पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा अब जनरलाइज्ड सीजर्स द फर्स्ट एप इज़ एपसेंसर ये यंग चिल्ड्रन और अडोलिसेंट्स में होगा इसमें सेल्फ लिमिटिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है यानी सामने वाले को कई बार पता भी नहीं चलता कि इसके साथ जो है वो पेशेंट को जो है वो कोई सीजर आ रहा है क्योंकि इसमें जो है पेशेंट सिर्फ एक जगह देखता है मतलब एक तरह से वो घूर रहा होता है और दूसरा जो है इसमें रैपिड ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ जो हैं इस तरह के सिम्टम होते हैं मीन्स कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस नहीं होता बस वो एक जगह पर स्टेयर कर रहा होता है और रैपिड ब्लिंकिंग ऑफ आई कभी कभार हमें नज़र आएगी और सेल्फ लिमिटिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा टॉनिक क्लॉनिक में ये सीजर जो है ये एक और के जरिए प्रोसीड होता है और कुछ भी हो सकता है वॉइसेस या स्मेल इसके बाद पेशेंट को सीजर स्टार्ट हो जाता है जिसमें जर्किंग मूवमेंट्स आती हैं बॉडी स्टिफनेस और टंग बाइटिंग ये सारी चीज़ें दो से तीन मिनट तक रहती हैं इसमें पेशेंट को जो है वो हमें Uh, सिर्फ ये करना होता है कि उसको किसी हार्म से प्रिवेंट करना होता है बाकी टंग बाइटिंग को हम उसमें स्टॉप नहीं करेंगे दो से तीन मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे अगर पाँच मिनट तक ये चीज़ें सही नहीं होती सो हम फिर जो है ड्रग के जरिए इसको सही करने की कोशिश करेंगे इसके बाद मायोक्लिनिक इसमें मसल जर्किंग जो है होती है मोस्टली इन आर्म्स एंड लेग्स के अंदर और ये टॉनिक क्लोनिक से लेस सीवियर होता है अटोनिक के अंदर सडन लॉस ऑफ मसल टोन होती है फॉर एग्ज़ाम्पल हेड ड्रॉप ट्रीटमेंट की बात करें तो फोकल एपिलेप्सी में हम ड्रग्स यूज़ करते हैं लेमोट्रिगिन गाबा पेंटीन लेकोसमाइड जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक में हम यूज़ करते हैं वेल प्रोवेड जोनिसमायड एपसेंस में यूज़ की जाती हैं इथोसुक्सीमायड एंड टोपैरामेड माओक्लिनिक में हम यूज़ करते हैं वेल एंड लेमोट्रिगीन सो दैट्स ऑल फॉर डे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़